जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज 2 साल बाद फिर अमित भाई का एक पार्सल जा रहा है हमारा दिल्ली में। अमित भाई का 2 साल पहले भी एक बार गया था, उन्होंने फिर एक बार ऑर्डर किया है। ठीक है, तो अमित भाई देखिए, आपकी सारी पतंगे मैं आपको दिखाऊं। ये राजू टाइगर की पतंगे हैं जो कि खास तरीके से सब आपके लिए बनी हुई रखी हुई है। ठीक है, और बहुत ही प्यारी पतंगे हैं ये। पदम जी लगवाया मैंने आपके लिए। ठीक है, ये ब्लैक है, ये गोलेदार है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं उस्ताद तपन दादा जी मौनी टिका चौक का गांडा भी इनका मैं कर देता हूँ विदाउट रिक्वायरमेंट में। हालांकि गांडा के लिए एक्स्ट्रा होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने किया। ये पट्टीदार है, ये चप है। ठीक है ना, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा हम सारी पतंगे। ये एक चौका मैंने लाल दिया, आप उड़ाना। अगर धुंधली मौसम होती है, अंधेरापन होता है, तो लाल पतंग बहुत अच्छी लगती है। ये है आपका जाके राजीव यूनिक की पतंगे। ठीक है, सब राजीव यूनिक की पतंगे हैं। जरा आपका अब मैं दिखाऊंगा शेख असगर नवाब जी की पतंगे, जो कि ये मालेदार तोप है, ये मुकेदार है। इस तरीके से बहुत सारा पतंगे हैं हमारे पास। इसमें आप सभी पतंग घुमा घुमा के मैं क्या दिखाऊं। ठीक है, ये पिंक कलर का पतंग जी में मिलता है। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा पतंग जी एक ज़माने से यूज़ करने वाला मैं ही हूँ, जो कि सभी लोग जानते हैं। ये पेपर शुरू से ही कॉपी था, आज भी बहुत कॉपी है, आज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड जो है मैंने ही चलाया था। ठीक है, आपका लगे अब मैं दिखाऊँ आपको चिंटू क्राफ्ट की पतंगे, बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं ये। ठीक है, बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा गिली गिली है, बरसात चल रही है बाहर में। ठीक है, ये है छूछली तौ, इसको हम लोग बोलते हैं छूछली तौ। इसी तरीके से सभी पतंगे हैं, क्योंकि तो ये देखिए परी भी कितना खूबसूरत बनाया। ये ज़रा सा लंबे फरमे में है, फरमा जो है ज़रा सा लंबा है। ठीक है, ये चिंटू की पतंग रहेगी, ये उस्ताद ऑडिस की फरमा है, ये है ताबीज़ फरमा, ये धबज नहीं है, ताबीज़ फरमा। इनको थोड़ा सा मीडियम में देना था, तो यही पतंग सारा बनाया। 2-3 सौ का फिर भी मैंने ताबीज़ दे दिया, ये धबज फरमा दे दिया मैंने। धबज फरमा नया जी बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है, और इनकी बहुत ज़माने पहले से ही कुछ पतंग रखी हुई थी, जो कि अकबर की है, जो कि मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये अकबर की उनकी रखी हुई पतंग थी, उन्हें रख देने के लिए कहा था, वो उनकी अमानत थी, ये मैंने दे दिया। ठीक है भाई, बताओ प्लीज़ आपको कोई पतंग दिखाने के लिए। हाँ, इस पतंग इन्होंने 15 अगस्त में उड़ाएंगे बोल के, फहीम भाई की पौनी और बता दें फहीम भाई की पौनी और कुछ अद्दी भी है, उस्ताद मोइन की अद्दी भी है। ठीक है, जो आप लोगों को मैं बराबर दिखाता हूँ। ये मेरा फोरम का नहीं है, ये मेरा दुकान का है, तो आज 15 अगस्त के टाइम में मैं देता हूँ। हाँ, आपका जाके संक्रांत के टाइम में भी मैं देता हूँ, तो आप लोग दुआ कीजिए इस हिसाब से हमारा काम चलते जाए। ठीक है ना, और यही बात है। आप चलिए, खुदा हाफिज़ भाई। मेरा लड़का चला गया रिकॉर्डिंग करके, अब मैं बंद करूँ। आप लोग दुआ में याद रखना और ऑर्डर करिए, और जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। अगर 15 अगस्त में जिन लोगों को माजा पतंग चाहिए, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और पैकिंग करवाइए। और मैं 15 अगस्त का पैकिंग जो है 5 तारीख 6 तारीख तक ही लूँगा आखिरी, क्योंकि वो तो पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा, उसके बाद लेना मुनासिब नहीं रहेगा। जिसको भी ऑर्डर देना है जल्दी जल्दी देखिए। खुदा हाफिज़। और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है भाई, खास करके मेरे को दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।